नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई खास उपचार नहीं होता है। यह कुछ दिन बाद खुद ही अच्छा होता है। यह ऐसा रोग है जो कि दूसरे आदमी को हवा के जरिए खांसने व छींकने से फैलता है। साथ ही इसके संपर्क में आने के करीब 10 से 20 दिन बाद दूसरे आदमी पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमण की बीमारी होने की वजह से रोगी को बाहर नहीं ले जाना चाहिए। वो परिवार में जो इससे पीड़ित नहीं है उसे भी इसका टीका लगवाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि चिकन पॉक्स के उपचार में अधिक से अधिक आराम करना चाहिए व तरल पदार्थ से बचना चाहिए व बुखार, सिरदर्द आदि के लक्षणों को कंट्रोल करने का कोशिश करना चाहिए। वही बच्चों को एस्पिरिन नहीं देने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि इससे उन्हें रेसेस सिंड्रोम का खतरा रहता है। इसलिए बुखार को कंट्रोल करने के लिए एसीटामिफ़ेन दी जाती है। वही इसका उपचार आयु, इन्फेक्शन की गंभीरता पर भी निर्भर करता है। ऐसे पा सकते हैं इससे छुटकारा। चिकन पॉक्स होता है या होने वाला होता है तो बॉडी का तापमान बढ़ जाता है व यह लक्षण बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। वही चिकन पॉक्स के दाने दिखने एक या दो दिन बाद से थोड़ा सिरदर्द हो सकता है। इसमें फ्लू के दूसरे लक्षण जैसे गले में दर्द, खांसी, छींक भी आ सकती है। धीरे धीरे बॉडी में जब चिकन पॉक्स फैलने लगेगा तो ये लक्षण भी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। चिकन पॉक्स के शुरुआती लक्षणों जैसे सिरदर्द, खांसी व गले में दर्द को अक्सर लोग फ्लू समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।